मैं बताता हूँ आपका मुस्तकबल ये होगा कि जिस दिन आप जाके ये जलसों में एक बिरयानी की प्लेट पे नाचना बंद कर देंगे आपका मुल्क ठीक हो जाएगा। बिरयानी की प्लेट पे नाचना बंद कर दो, ये तमाम लुटेरे सारी खराब है। नहीं ये तमाम लुटेरे, मेरी गल सुनो, मैं तुहानू सिंपल एक मिसाल देना। प्लेट दे नचना ते इंसानू आंदा है 1988 तक पाकिस्तान जेड़ा है 1985 तक थोड़ा जहा पहली जमहूरीत जिन्हों मुहम्मद खान जिन्हें जो शरीफ तरीन कहा जाता ना उन्हें पहली बदमाशी की थी सी। लोग एक सियासतदान ने गलत ट्रेंड मचाया और आवाम भी तुम वो लगे हो और यह कहें जी ये जो भी है सू नहीं कर दिता। जिस वक्त ये हूँ तो मतहत हों जिस वक्त के अंडर से जुनेजो गैर मकबूल बंदा सी बिल्कुल उन्होंने चुक के लिया कितों लिया पार्टी भी कोई नहीं सी गैर जमाती इंतखाबात दे दी है उन्हें आया पाकिस्तान 30,000 बैरल रोजाना तो आयल प्रोडक्शन करने वाला डॉक्टर असद मोहम्मद खान जिन्हें 30,000 बैरल तो 80,000 बैरल से लैके गया चार साल से डॉक्टर महबूब अलक 11 मालक नू चीन समेत होर 11 मालक नू कर्जे दे रहा सी। 1985 से आके जुनेजो साहब ने दोनों हटाते पहले वो जेड़ा के ये 1900 मैं तो अनु मैं कह रहा मैं खुद देखा यासीन वट्टू वजीर खजाना बनाया ये यासीन वट्टू वो जेड़ा वकालत पास है खजाना अहम वजारत है वकील नू उत्ते लगाया जिन्हें वकालत भी नहीं सी आँदी सवाए जिमीदारे दे पहला बजट पेश किया तमाम जी आवाम सड़कों पर आ गई उन्हें कहा कि जनाब तुसी इन बजट नू वापस लाओ ज़ियाउल हक ने असेंबली तोड़न का इख्तियार मौजूद सी उन्हें कहा कि जनाब ना 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 हाल का ही दसन लगा ना अच्छा यासीन वट्टू साहब ने की किया नहीं नहीं उन्हें कहा जी मैं बजट वापस नहीं लाँगा उन्होंने वजारत तो नहीं हटाया गया और उसकी जगह असन अलक प्राचा दोबारा वजार उठा के उन्होंने दोबारा वजीर उन्हें बजट पेश किया जो कुछ काबिले कबूल से आवाम ने उस तो बाद पाकिस्तान खसारे से जाना शुरू होया जी फिर जो 80,000 बैरल से पैदावार ले जाने वाला सी डॉक्टर असद मोहम्मद खान तो उस वे पाकिस्तान की जरूरत भी 1,00,000 बैरल के करीब सी। इस वक्त तुहाडी सब तो ज़्यादा जो इंपोर्ट बिल है वो जो 30 अरब डॉलर आयल एंड गैस का है तुहाडे मुल्क के अंदर 10 कुएं जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने 2010 से लिखा सी उन्होंने कनैक्ट अप नहीं किया जा रहा मैं नहीं कह रहा अपनी तरफों डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की गल कर रहा उन्हें कहा कि 10 कुएं जड़े आ उन्होंने सिर्फ कनैक्ट अप नहीं किया जा रहा जबकि तुसी इंपोर्ट कर रहे हो मतलब हाँ कनैक्ट अप नहीं किया जा रहा गैस के कुएं तैयार यानी वह सिस्टम नहीं तरसील का निजाम नहीं लगाया जिदा पावर प्लांटा का नहीं लगाया जा रहा अमरीका मना करता है जिन्हें आदि आने आए न्यू वर्ल्ड आर्डर के तहत इन्होंने पाकिस्तानी इकानमी तबाह की है। अब देखें मतलब वो जो जिन्होंने बुरा काम किया वो तो अलग हिसाब देंगे देंगे आजकल जो बुरे हालात हैं आम आवाम के हम स्टूडेंट हैं हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं हमें घर वाले खर्चा देते हैं 20,000 पहले तो मतलब गुजारा हो जाता था अब मतलब 2-3 साल हो गए हम यूनिवर्सिटी में नहीं नहीं मैनू एक गारंटी दे दियो कि जलसिया दे विच जाके नचना नहीं मकसद मैं ये कहना आवाम नू तुसी रोक दो आवाम नू तुसी रोक दो नचते हो जाके जलसे में हम तो गए नहीं है अज नचने वाले खोते होंगे वो बंदे नहीं होंगे नहीं नहीं वो अपनी गल करते मैं तो असी आवाम की अक्सरीयत की गल कर जितनी देर तक साढ़े आवाम को यही नहीं पता कि साढ़ा ये दुश्मन है या सज्जन है ये चोर है जेड़ा 35 नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पा के कि मोमन एक सुराख च दो दफा नहीं डसया जाता असी कितनी बारी डसे गए इन्हां कोलों फिर इन्हां दे उत्ते उम्मीद लाई बैठे कि तुहानू जेड़ा है जमहूरीयत पार्लीमानी जिहड़ी है ना इहनू समझण की जरूरत है ये अंग्रेज ने डिजाइन किया ये अंग्रेज ने डिजाइन की ए दो चीज़ा है मैं तुम्हें तो क्लीयर कर दिना जेड़े ये दो चीज़ा यहूदियों की तो अंग्रेज़ की डिजाइन हुई है 1878 से पहला मुआदा होया दूजा होया 1898 जिस कंप्लीट यदा डिजाइन किया गया तमाम मिनरल रिसोर्स नेचुरल रिसोर्स जेडे उत्ते मलकीयत है यहूदियों की जी जगराफिया नहीं नहीं मैं वो तुम्हें नवा दसन लगा जगराफिया जी है वह मलकीयत है बरतानिया की या अमरीका जो भी कह लो ये दोनों एक ही चीज़ है। हुण मैनू ये दसो कि इमरान खान 4 साल रहा तो जिन्हों सब तो ज़्यादा असं चेता कहने तालिबान ने 1 साल के चीन को तेल का कुआं की प्रोडक्शन लैनी शुरू कर दी इमरान खान ने एक परमिट दिता हो चीन तेल तलाश कर मैनू वो दिखा दो
क्यों नहीं देंगे उन्हें? यहूदियों को देना, जमहूरियत जिथे यहूदियों की ताबे रहेगी। मिनरल रिसोर्सिस सारे उन्होंने दोगे, जमहूरियत तुम छोड़ दो होर कुछ लैके आओ यहूदियों को। पीपल पार्टी की घूमट इंशाल्लाह सरदारी बड़ा खिलाड़ी पाए पेपर बाल जी घूमन में आएगी बस फिर बस वही चोर बाजारी डाके मैं क्या कोई चंगी खबर दोगे कि नहीं ठीक नहीं है। देखो ये डाकी पैने ने जाति के तुसी आम बंदे नू शौर नहीं आएगा ना शौर आएगा एजुकेशन ना सारी तरजीहात की ने आटा चीनी दाल बस या पेट्रोल सारी तरजीहात इलम तलीम बच्चे एजुकेशन है ही नहीं है। हाँ एजुकेशन है ही नहीं तुझे बच्चों को इन्नी एजुकेशन दो इमरान खान लोगों को उम्मीद सी भी उन्हें भी लुटिया मारे खाया हो गया जेल च बैठा भी बाहर निकल जा रहा है तैयारी है तैयारी बिल्कुल बस हवावान दस दी हैं उधरों आ रही हैं। अच्छा तो वो बस देखो जो इंशाल्लाह इलेक्शन पहले चल जाएगा या बाद चल जाएगा चल जाएगा हाँ इलेक्शन इंशाल्लाह हो जाएंगे मेरे करीब ही होंगे इंशाल्लाह। मेरा फेवरेट नून लीग है शहबाज शरीफ ऐसा किया ना देखो वो मैदान तो छड़ के नहीं गया ना दोबारा खड़ोता है बिच इन है चोर है डाकू है वो बाद दी चीज है इन है नहीं मजाक तो लगा चोर है डाकू है बात भी गल है भाई इन है इन है वो बात है वो मेरी गल तो सुन किस किस तरह बात है किस तरह और यार किस तरह है मैं दस दा देखो जी वो कुछ करता तो पे ना चोरी डाका मारो लेकिन कुछ करो सही कुछ कर लो डाका चोरी तो बाद ही है ना कारोबार करते हो मैं कारोबार कर रहा हूं चोरी डाका मार दे अगर मन्नु मौका मिलेगा मैं भी बढ़ा बढ़ लें तेरा मतलब क्या मैं बढ़ लें अगर मैं साडू तलीम ने सर जी पीडीआई में चोर ने आओ मैं दहावा बुशरा बीबी चार अरब यार चार अरब जरा ना बुशरा बीबी 24 अरब बेटे के अकाउंट च मिले है बेटा वह जरा फटिया तो इमरान खान फटिया है ना वह वो तो अफगवाह बनेगा माता अंकल ही प्यार है जेल नहीं जाते यह जेल जाते ने जो बस जिन्हें जाना होंगे जो मन जो जेल भेजने ऐसी खबर चो खबर कट रहे हैं और जो इमरान हाँ जी जो इमरान खान बड़ा साधक अमीन बनया से लोगों को कहते इन्हें फटे तो होना है थैंक यू क्योंकि असं माड़े रस्त रहने थैंक यू।